आसी बंधुवो एवं श्रद्धाशी बाहर। हमारी चर्चा प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को लेकर चल रही है। यह भी आनंद की बात है कि ऋषभ विहार में आए तो भगवान ऋषभ देव की चर्चा चल पड़ी और कर रहे। ऋषभदेव भगवान अपने में एक कथा है और एक पूरा दर्शन है। ऋषभदेव भगवान पूरा युग है और ऋषभदेव भगवान स्वयं में शास्त्र है। तो बंधुओ, इनके जीवन के चर्चा और विचार के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम चिंतन कर सकते हैं, उसका मंथन कर सकते हैं और वहां से हमें ज्ञान का नवनीत मक्खन प्राप्त हो सकता। अभी तक जो मैंने बातें की वो की कि ऋषभदेव केवल भारत के सीमा में समाये हुए महापुरुष नहीं, ये ऐसे महापुरुष हैं जो विश्वव्यापी संसार के और देशों में इनको किस नाम से पुकारते हैं और कैसे कैसे इन्हें मानते, ये कोई जरूरी नहीं कि जैसे हम समझें माने सब वैसे ही समझें माने। सबका अपना अपना चिंतन और विचार है, सबके अपने शब्द हैं जिनसे वे उन्हें पुकारते। अब हम इनके जीवन की थोड़ी सी बात शुरू करते हैं जो कथा के रूप में। बंधुओ, संसार में दो तरह के दर्शन है। दर्शन माने विचारधारा, दर्शन माने विचारधारा, वो दो हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है? जहां तक बाहर व्यवहार संसार की बात है तो ये तो बहुत कुछ समान दिखाई देते। बाहर के व्यवहारों की बात कर रहा हूं, लेकिन जहां तक
अंतर चिंतन की बात है उसमें बड़ा अंतर है। आस्तिक दर्शनों की पहली बात और पहली मान्यता है शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। नास्तिक क्या मानते हैं, वो जो कुछ है बस यही है, समझे आप, जो ये शरीर है बस यही है। रही बात आत्मा की, बस वो भी यही, इसी के जो कुछ है बस यही है, इससे अलग और इससे भिन्न और कुछ नहीं। जब और कुछ नहीं है तो फिर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, पूर्व जन्म हमारा पहले कहीं जन्म था, इस जन्म से पहले हम कहीं थे, यह है पूर्व जन्म। पुनर्जन्म इसके बाद, यहां के बाद हमारा फिर जन्म हो, ये आस्तिक दर्शन मानते हैं। नास्तिक दर्शन ये नहीं मानते। नास्तिकों का कहना है जो कुछ है बस यही है। इसीलिए जो मौज आनंद जो कुछ तुमने पाना है, करना है, लेना है, वो कर लो। भस्मे भूतस देहस्य, यह जो शरीर है ये नष्ट हो जाने वाला है। पुनरा जन्म कुतः, दोबारा जन्म किसका, कोई चीज है ही नहीं, ये नास्तिकों का कहना है। आस्तिक क्या कहते हैं, ये संसार में जो विविधता है, मनुष्यों में ले, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, विविधता है, यह अपने कर्मानुसार है। और अन्य अनेक जीव हैं संसार में, अनेक जीव, ये विविधता, ये भी कर्मानुसार है। ये कर्म कहां से आए, ये इस जीव ने अपने पूर्व जन्म में, पहले जन्म में कभी कहीं किए थे, अब यह उनका फल है, उनका परिणाम है। ये विविधता कर्म के कारण से है। कर्म कहां से आए, जो पूर्व जन्म के अंदर हमने किए, जीव ने किए, ये उसके कारण है। रही बात भविष्य की, भविष्य की बात, उसमें पुनर्जन्म है, वह नरक में, देवलोक में, मनुष्य में, तिर्यंच पशुओं में, कहां, कब, कैसे होगा, यह भी अपने कर्माधीन है। कभी गालिब ने कहा था, जन्नत की हकीकत जानते हैं गालिब, हमें पता है स्वर्ग क्या है, जन्नत की हकीकत जानते हैं गालिब, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। अपना दिल बहलाने के लिए वहां बड़े सुख है, बड़े आराम है, बड़ा कुछ है, ऐसा है, ये सब दिल बहलाने की बात, ये गालिब कह रहा, मैं नहीं कह रहा। तात्पर्य यह है कि जो इस पुनर्जन्म को नहीं मानते कि भाई स्वर्ग भी है, नरक भी है, दोबारा से मनुष्य भी बनेंगे और फिर से त्रियंच गति भी है, ये सब व्यक्ति के कर्मानुसार है,
जैसा कर्म होगा उसके अनुसार यह प्राप्त होंगे। बंधु आपको बात कुछ पुरानी सी लग रही होगी, ये तो बात ठीक है, सुनते आ रहे, जरा आगे भी चलेंगे इस बात से। ये हमारी भूमिका है बात को समझने की। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दो चीज है। आस्तिक दर्शन इन दो पर आधारित है। हमारा पहले जन्म था वो पूर्व जन्म है, ये हमारा वर्तमान जन्म है, इसके बाद हम जैसा कर्म करेंगे उसके बाद में फिर पुनर्जन्म, आगे दोबारा जन्म होगा, यह है आस्तिक दर्शन मानते। नास्तिकों का कहना यह है कि ना कुछ पहले था और ना कुछ आगे होगा, जो कुछ है वर्तमान है। और यहां तक कहा ऋणम कृत्वा घृतम विवेक, चाहे कर्जा करके खाना पड़ो, माल उड़ाओ, माल खाओ, ऐश करो, आराम से जियो, किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, सब व्यर्थ है, ये नास्तिकों का कहना। बंधुओ सारे धर्म जितने भी हैं, चाहे वो वैदिक धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम है, ईसाई है, प्रस्तुतियों में भेद है, लेकिन ये बात सब मानते हैं, पूर्व जन्म के लिए और पुनर्जन्म के लिए सभी धर्म इसको स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन प्रस्तुतियों में अंतर है। एक बात को कोई किसी तरह कह रहा है, कोई किसी तरह बता रहा है, उसमें तो अंतर है, लेकिन ये मानते सब है। तो धर्म जितने भी हैं वे इस पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मान कर चलते। ऋषभ कथा में हम थोड़ी सी पूर्व जन्मों की बात करें। भगवान महावीर के चरित्र में 27 भावों का जिक्र है। कितने भाइयों, भगवान महावीर का जो जन्म है इससे पूर्व उनके 27 जन्मों का जिक्र है। और ये केवल 27 ही नहीं थे, ये तो उनके वे जन्म है जो उनकी कथा से जुड़े हुए हैं। यूं तो जीव ने, सब जीवों ने अनंत अनंत जन्म मरण की, ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं गए हो, जहां नहीं मरे हो, जहां नहीं जन्मे हो, ऐसा कोई स्थान, प्रदेश, वस्तु नहीं है जिसका उपभोग हमने यानी जीव ने न किया हो। सर्वत्र सब जगह गए हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, चाहे किसी भी रूप में गए हो, वो अलग अलग बात। कोई यूं कहे जी मोक्ष में, मोक्ष की बात यह सिद्ध इस्लाम में भी एक इंद्रिय रूप से तो वहां भी जाया है। बंधुओं यह जीव सर्वत्र जन्म मरण करता रहा है और अनंत जन्म मरण हो चुके। इनके कहने का मतलब क्या है, अगर ये पूछे, हम ये बात दोहरा रहे हैं, किस लिए दोहरा रहे हैं, इसलिए दोहरा रहे हैं इस परंपरा का कभी तो अंत हो, यही मरते ही रहेंगे, जन्मते रहेंगे, क्या हो सकता है, क्या उपाय है इसका। बंधुओं थोड़ी सी बात करते, आपने कुएं देखे हो, आजकल तो सब मामला हैंडपंप का है, हैंडपंप भी पुरानी बात हो गई, आजकल तो घर में टूटी लगी हुई है, पानी ऐसे आता है, लेकिन पहले कुएं होते थे और कुएं गोल होते थे, उनके कुओं में कोई गिरना पड़े तो चारों ओर मुंडेर भी बनी हुई होती थी, अर्थात एक चक्र होता था, कोई आदमी उस कुएं की जो मुंडेर बनी हुई है उसके साथ साथ चलना शुरू कर दे, वो सारी उम्र चलता रहे, अंत होगा क्यों भाई, गोल चक्र जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं,
वृत्त का अंत नहीं होता, वृत्त होता ही वह है जिसका अंत न हो, चलते रहो, वृत्त है वह है। रेखा कितनी भी बड़ी हो उसका अंत है, रेखा बनती तब है जब उसका अंत होता है, वृत्त का अंत नहीं होता। तो प्रश्न जन्म और मरण का था, ये जन्म और मरण ऐसे चलते रहेंगे क्या, इसी तरह होता रहेगा क्या, यही होता रहेगा क्या? बंधुओं वृत्त का एक अंत है। आप कहेंगे कौन सा अंत है? आदमी जहां है ना वहां खड़ा हो जाए, आदमी जहां पर है जिस बिंदु पर है अगर वो चलता रहेगा तो अंत नहीं होगा, लेकिन जहां वो है वहीं खड़ा हो जाए, चलना बंद कर दे, अंत हो गया वृत्त का। वृत्त का अंत वही होता है जहां व्यक्ति खड़ा हो जाए, जहां से उसे मापना शुरू करें बस वही है उसका अंत। तो बंध हो, ये जो अनंत जन्म मरण हो चुके हैं, पीछे कोई हिसाब नहीं है, अब तो हम खड़े हो जाएं, अर्थात अब तो विचार कर लें। मैंने कहा था हम यही यही बात करते रहेंगे, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हम इस जन्म और मरण का कोई समाधान ढूंढ सके। जिन्होंने ढूंढा वो पार हो गए, और जो नहीं ढूंढ पाए वो इसी तरह चल रहे हैं, चलते रहेंगे, न जाने कितने और जन्म और मरण हो सकते हैं उनके, कितना कुछ हो सकता है। ऋषभ कथा की बात करता हूं। ऋषभ देव क्या, एक मैंने कहा भगवान महावीर के 27 भावों की चर्चा, ऋषभ देव के 12 पूर्व भावों की चर्चा है।